करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, जिसमें वो 16 श्रृंगार करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती संग करवा माता की पूजा करती हैं और कथा सुनती है। आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा के लिए कौन कौन सी पूजा सामग्री होनी चाहिए। करवा चौथ पूजन सामग्री: मिट्टी या पीतल के दो करवे, मिट्टी के दो दिए, करवे में लगाने के लिए कांस की तीलियां, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल, प्रसाद आदि। चौकी: करवा पाना अर्थात चित्र जिसमें चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि के चित्र बने होते हैं। करवा चौथ कथा की पुस्तक: धूप, दीप, छलनी, जल से भरा लोटा, सुहाग की सामग्री जिसमें हल्दी, मेहंदी, काजल, कंघा, सिंदूर, छोटा कांच, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, करवे में भरने के लिए गेहूं, चीनी या खड़े मूंग लेना चाहिए। करवा चौथ पूजा विधि: करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पति की लंबी आयु और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अखंड सौभाग्य का संकल्प ले। व्रत और पूजा का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय और गणेश की स्थापना करें। इसके बाद चौथ माता की फोटो रखें और पूजा की जगह पर मिट्टी का करवा रखते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए पूजा करें। अब इसके बाद करवे में पानी भरे और उसमें सिक्का डालकर उसे लाल कपड़े से ढक दें। इसके बाद पूजा की थाली में सभी श्रृंगार की सामग्रियों को एकत्रित करके एक साथ सभी महिलाएं करवा माता की आरती करें और कथा सुने। कथा सुनने से पहले हाथ में चावल के 13 दाने लें। इन दानों को साड़ी के छोर पर बांध ले। जब शाम के समय चंद्रमा का उदय हो तो उनकी पूजा करें। चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए जल अर्पित करें। साड़ी के छोर में बंधे चावल के 13 दाने निकालकर उन्हें अर्घ्य के साथ चंद्र को अर्पित करें। फिर चंदन, अक्षत, गुलाल, फल, फूल और मिठाई अर्पित करें। चंद्रदेव के दर्शन और पूजा के बाद छलनी में से पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलते हुए उनके चरण को स्पर्श करें और उनके माथे पर तिलक करें। इसके बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए करवा भेंट करें।